हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और सभी दोस्तों को भाई दोस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं भी भाई दोस्त की तैयारी कर रही हूँ और नहा के पूजा करके मैं अपनी आ चुकी हूँ। और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अपना रूम क्लीन करने के लिए एंड फिर उसके बाद किचन में। और बता दूँ आपको कि मम्मी मामा के यहाँ पे जाएंगी, मैं नहीं जाऊँगी। मैं यहीं पर पूजा करूँगी और शाम तक भाई आ जाएगा। पार्थ और ज्ञान को खांसी हो रही है तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, बढ़ जाएगी थोड़ा सा कहीं जाएंगे तो। बच्चों के साथ मोस्टली ऐसा ही होता है, तो उन्हें इस शायद जो प्रदूषण हुआ है तो उसकी वजह से उनको कफ हो गया है और दवाइयाँ चल रही हैं उनकी। तो 10-15 मिनट बाद हम कहानी सुनेंगे। और वैसे तो इनको बहुत बच्चों को बचाया जा रहा है, बट अगर इन ये वो दीवार बम छोटे छोटे होते हैं ना जिनको ऐसे फेंकते हैं ज़मीन पर, उनको देख लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। फिर इनकी खांसी वगैरह सब दूर हो जाती है। और उसमें इनके चाचा भी इनका बहुत साथ देते हैं बच्चों का, मतलब मैं मना करती रहती हूँ बट फिर भी इंजॉय हो रहा है वो उसके बाद में मुझे भुगतना पड़ा। ये गोवर्धन है और मम्मी बेरी की डाली तोड़कर ले आई हैं क्योंकि इसके चारों तरफ बैठ के हम कहानी सुनेंगे। और फिर एक सफ़ेद धागा होता है जो हम बेरी की जो डाली है उसके चारों तरफ लपेटेंगे, तो ऐसा कुछ हम भाई दूज की कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों कहानी सुनने के लिए मम्मी चाची वगैरह सब आ गई हैं। और ये देखो गोवर्धन के चारों तरफ कुछ ऐसे बैठते हैं हम लोग और तब कहानी सुनते हैं। सो अब कहानी सुनने का टाइम हो गया है और हम लोग कोमल दी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी स्टार्ट करेंगी कहानी सुनाना। ये जल का लोटा रखा है और ये स्वास्तिक निकाला है, उसके ऊपर बतासे और चने रखे हैं। ये सबने अपने अपने गोले रखे हैं जिनका टीका करेंगे। छोटा था तो कोई पता नहीं था कि उस लड़के को मेरा कोई बहन है। अब लड़का जो सुबह को खेत में हल चलाने चला गया। अयो ना पता है ज्यादा देर ना रहना पड़ता। मैं तो नहीं जा पाई बट भाई आ गया है। मैं तो बच्चों आपको बताया कि बच्चों के कारण नहीं जा पाई हूँ, तो अब मैं टीका कर रही हूँ भाई का। दोस्तों अब लग गई है हम सास बहू की, जितने भी घर में परिवार सह परिवार हैं उनकी दावत। तो सो हमने कहानी वगैरह कह के भाई दूज की और अब हम तैयार हो गए हैं दावत के लिए। दावत पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और उसके लिए जो हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं ना वो भी तैयार हो गए हैं। बुआ जी और मैं, मम्मी वगैरह सब जा चुकी हैं, मैं और बुआ जी रह गए हैं। तो मैं और बुआ जी अब जाएंगे। हाय बुआ जी की हाय एक्सेप्ट कर लो दोस्तों। ये हमारी छोटी बुआ जी हैं जो भाई दूज के पर्पज़ से आई हैं और बच्चे भी आए हैं। बच्चे भी दिखाऊंगी, इधर उधर ही खेल ही रहे होंगे। और ये पार्थ है ना अब वीडियो देख के भाग जाता है। तो दोस्तों दावत खा के आ गए हैं पूरी फैमिली। उसके बाद मैंने एक बेल्ट ऑर्डर कर रखी थी सो वो आ गई है, वो ही मैं ट्राई कर रही थी। दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताना मेरी साड़ी के ऊपर बेल्ट कैसी लगी आपको। एंड पार्थ इधर आओ बेटा, इधर आओ। कहाँ से आए थे आप? स्कूल से। स्कूल से आए थे? ये ट्यूशन को स्कूल बोलता है। और आज थोड़ा सा उन्होंने टाइगर नहीं निकाला। नहीं टाइगर नहीं निकाला, इसकी मैडम टॉयज रखती है ना, तो मैं इसको बहकाती हूँ कि उनके पास आज टॉयज निकालेंगी, वो सॉरी टाइगर निकालेंगी। तो सो आज भी उन्होंने टाइगर नहीं निकाला। जब बच्चों के घर में शांति हो तो समझो कुछ ना कुछ तमाशा होने वाला है। सो क्यान ने कर दिया है। ये देखो बास्केट से आलू के छिलके लिए हैं। क्या किया है ये? इकट्ठा करो इनको, बास्केट में डालो इनको, बास्केट में डालो। चलो पार्थ आप भी डालो। चलो देखो वो बुला रहा है बुला रहा है आपको। बेटे भाई को ले जाओ बुला के।
बुला लो। कितने मेहनती बच्चे हैं। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए जा रही थी, मैं जैसे ही रूम से बाहर आई तो मेरे लिए ये काम इन्होंने फैला के रखा हुआ है। अब सबसे पहले इसको ही झाड़ू लगा के इकट्ठा करती हूँ। क्या बहुत शैतान हो रहा है। कल मम्मी से इसने बहुत अच्छी खुराक ली, मतलब मीन्स मम्मी को इसने गुस्सा दिला दिया, तो मम्मी ने 2-3 इसको रख दी है ठीक ठीक से। बहुत जिद करता है। अम्मा ने कैसे पिटाई की थी आपकी, ऐसे करके? सो जाओ। मेरे माइंड पे एक प्रेशर ये रहता है कि इसको ट्यूशन जाना होता है 3 बजे, और उससे पहले मुझे इसको सुलाना होता है तो एकदम फ्रेश रहता है, नहीं तो ट्यूशन में जाके ये सोता है। क्या नहीं भाई की चप्पल नहीं मारोगे? गलत बात, आपके चिप कहाँ हैं? अच्छा, कितना कफ हो रहा है। क्या हुआ? इसे तो देख कैसे मार रहा। तो बहुत दिन के बाद आज हमारे साग बना है। तो ये हमारे खेत से आया था, और हालांकि बेचने वाले जो होते हैं उनसे तो अब साग को काटने की सुविधा होती है उनके पास, तो बट ये हमारे खेत से आया है, तो मतलब मम्मी ने ये अभी काटा है। इसको मैं धुलने के लिए जा रही हूँ अब, और उसके बाद कुकर में सीटी लगेगी, और शायद आज हमारे सरसों का साग और मक्की की रोटी बनेगी। क्या क्या चाहिए आपको? बाबू चाहिए? धोकर इस कुकर में इसको चढ़ाऊंगी। ये हमने कुकर में सेट किया। साग चढ़ाते हुए पता है पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये तो हरी सब्जी होती है और इसमें पानी बहुत सारा होता है, तो अगर पानी डाल देते हैं, आधा ग्लास भी पानी डाल देंगे, तो कुकर सीटी जब लगाएगा तो वो बाहर निकलने लगता है। ये नमक डालकर चढ़ा दिया है मैंने साग को। अब इसके बाद जैसे जैसे ये मतलब मींस पकना स्टार्ट होगा तो ये नीचे बैठता चला जाएगा, और जो मेरा साग थोड़ा सा बाहर रखा है वो इसमें मैं डाल दूंगी। फिर उसके बाद ढक्कन लग जाएगा इसका आसानी से।